तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और हमारे साथ कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं और कुछ नए स्टूडेंट्स हैं। ललिता जी, प्रशांत जी, ये नए हैं, बाकी लोग तो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस से हैं जो कि कंबाइन हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो बेसिकली एक क्लास जो है, एक क्लास हमारा है एडवांस एक्सेल में पेज सेटिंग्स एंड इंसर्ट मेनू बार के कुछ ऑप्शंस के बारे में, जो कि हम आपको आपको सभी किसी को कराए नहीं थे, ये ऑप्शन हम कराने जा रहे हैं, राइट? क्योंकि हमने पिवट टेबल के बाद बाकी चीजें हम नहीं कराई थी। तो चलिए हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन मतलब कि एक्सेल में कोई पर्टिकुलर इमेज को आप कैसे लेके आएंगे। आप बोलेंगे सर इमेज का क्या काम, इमेज की क्या जरूरत है? तो जरूरत भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले समझिए कि एक्सेल में कोई पर्टिकुलर इमेज आएगा कैसे। तो यहां पे आपके सामने पिक्चर्स की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई फाइल को, कोई इमेज की फाइल आपके पास है, उस इमेज फाइल को आप लोड करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पिक्चर पे क्लिक कीजिए। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ किसको, अगर नहीं देख पाया हूं तो। इंसर्ट मेनू बार में पिक्चर पे क्लिक के कर्सर ले जाइएगा। इस पे करने के बाद आपको फाइल का लोकेशन आएगा, अपने फाइल लिस्ट में से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंड इंसर्ट कर लीजिए। वो फाइल यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल आप किसी वेबसाइट से या किसी पर्टिकुलर गूगल इमेज से लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार्ट्स गूगल इमेज पे गया, मुझे मान लीजिए मुझे इस इमेज को लाना है, तो इस पे आप राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और फिर जाइए यहां पे पेस्ट कर दीजिए। टाइम पेस्ट करने पे आपका कॉपी नहीं होगा। रीजन क्या होगा कि जिस पिक्चर को कॉपी कर रहे होंगे वो पूरी तरह से लोड नहीं हुआ होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप पहले पेंट में पिक्चर को पेस्ट करें, पहले पिक्चर को आप पेंट में पेस्ट करें और फिर उसको कॉपी करके एक्सेल शीट पे ले जाएं। तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डायरेक्टली कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं और आप जो है फाइल से ले सकते हैं। अब किसी वेबसाइट या इंटरनेट से ही हमें लेना है तो हम गूगल पे क्यों जाएंगे? हम डायरेक्टली इंसर्ट में, आपको यहाँ पे पिक्चर ऑनलाइन दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, बट इसके लिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में उस समय, और गूगल का एक्सेस होना चाहिए। तो यहां पे मैं इमेज पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और जो सर्च करना चाहते हो सर्च कर लीजिए, कुछ भी, या तो कैटेगरीज है आप सर्च भी कर सकते हैं, जो सर्च करना चाहे वो सर्च कर सकते हैं। वो तो आपका इंसर्ट करते हैं, आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर का जो होगा अपना ओरिजिनल साइज में इंसर्ट होता है, बट हम अपने हिसाब से साइज को रिड्यूस करते हैं, तो साइज कभी भी पिक्चर को जब रिसाइज करें, में छोटा बड़ा करें, तो आप उसके कॉर्नर से करें, ध्यान रखिए कॉर्नर से लेके चले। कॉर्नर से करने से क्या होता है कि पिक्चर जो है चारों तरफ से, चारों तरफ से नहीं, तीन तरफ से छोटा होता है। लेकिन मान लीजिए आपने ऐसे किया तो इस तरह से स्ट्रेस हो जाएगा, पिक्चर थोड़ा सा अजीब दिखेगा, इसलिए पिक्चर को हमेशा कॉर्नर से कीजिएगा। और ज्यादा अच्छा दिखाना है तो कॉर्नर से ड्रैग करते समय आप कंट्रोल को भी प्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ से छोटा होगा और आपका पिक्चर स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, अब पिक्चर आपने इंसर्ट किया है तो इस पिक्चर में आप करेक्शन भी करेंगे। तो जैसे कि यहां पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रीड करता है कि आपके इस डेटा में बैकग्राउंड कौन सा कलर है। थोड़ा तो सा डिफिकल्ट है, फोटोशॉप की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत केसेस में कर लेता है। देखिए हमने ऊपर नीचे किया, पूरा हो गया। अब मैं यहां पे कर देता हूं डिलीट मार्क, नहीं सॉरी ये भी होगा कीप, टाइम लेता है, हैंग हो जाता था। ठीक है,
बैकग्राउंड हट गया, इसको रोटेट करना है तो आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमारी MIS की क्लास में ये एरोप्लेन का पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं, क्या बेनिफिट क्या है इस पिक्चर को देखने का। तो चलिए आपको, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा चार्ट है, तो एक छोटा सा हम चार्ट आपको बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेम यहां पे बैंक नेम कर देता हूं, बैंक, और यहां हम मंथ बाय सेल कर देते हैं। एक छोटा सा हम यहां पे अपना रिपोर्ट बनाते हैं, जनरली आप लोग बनाते होंगे। तो जैसे कि SBI है, यस बैंक है, डूब गया क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है नाम दे देता हूं, PNB है, ICICI है, एंड और इसमें मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाता हूं ताकि रैंडम नंबर ले सकूं। रैंडम फॉर्मूला होता है कि एक्सेल में आप रैंडम नंबर ले, इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसर्ट, अब मैं इस पे चार्ट इंसर्ट करता हूं। ये मंथ वाइज आपको सेल्स यहां पे दिख रहा है, राइट सर? बट यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक मिनट मैंने टाइप चेंज करता हूं। अब प्रॉब्लम यहां पे ये दिख रहा है आपको। अब मान लीजिए कि SBI कौन है, तो मुझे SBI के लिए इसको देखना है, फिर यहां कलर से मैच करना चाहिए, SBI का एक कलर है तो ये SBI है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और मैं यहां पे ऐड डेटा लेबल और इसमें मैं कर दूंगा सो कैटेगरी नेम, नहीं कैटेगरी नेम, सीरीज नेम, फिर भी ओवरराइट कर रहा है, फिर भी ये सही तरीके से नहीं होगा, कुछ और विजुलाइजेशन हमें चाहिए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक और तरीका, चलिए बताता हूं आपको। हम इंसर्ट पे जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर पे जाते हैं और यहां पे मैं SBI लोगो करके मैं सर्च कर देता हूं। लेकिन ऐसे तो मैं नहीं दिखा सकता ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉर्प करता हूं और फालतू की चीजें को मैं यहां से हटा देता हूं, बैंक ही दिखना चाहिए। फिर इस पिक्चर के ऊपर मैं, क्योंकि इसमें ब्लैंक एरिया है, तो इस पिक्चर में मैं यहां पे एक बॉर्डर लगा देता हूं या फिर यहीं से बॉर्डर, यहां से भी हम पिक्चर बॉर्डर ले सकते हैं रेड कलर का, और बॉर्डर की साइज मैं यहां से बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, और फिर इसको मैं रोटेट करता हूं। ओके, अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां स्टेट बैंक में जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं और यहां पे फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आता हूं और यहां हम फिल में जाते हैं, फिल, और यहां पिक्चर्स एंड टेक्सचर पे आके क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पे छोटी सी दिक्कत हो गई कि जब मैं इसको इसको कॉपी किया, तो दिक्कत हो गई इसमें, तो इसको पेस्ट एज ए पिक्चर कर देता हूं मैं यहां से, क्योंकि थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, तो मैं यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर। ऐसा इसलिए प्रॉब्लम है कि इसके साथ इसका लिंक भी आया ना सर, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है।
इसलिए आपको पिक्चर के बारे में अच्छे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या दिक्कत होता है आगे। तो अब मैं इसको कॉर्प कर लेता हूँ बढ़िया से। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां वापस इस पे जाता हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, और फिर वापस क्लिपबोर्ड क्लिक कर देता हूं। बेटर है क्या सर? तो इस ऐसी चीजों की यूज करने के लिए हमें पिक्चर की सेटिंग तो आनी चाहिए ना सर। ऐसे ऐसे भी आप जैसे आप न्यू पे जाएंगे तो पिक्चर की मदद से बहुत बहुत सारे टैंपलेट्स क्रिएट किए गए। जैसे देखिए आपका फोटो फैमिली ट्री, ये पिक्चर की मदद से बनाया गया है। ये कंपनी का जो ये इनवाइस है, इस पे जो पीछे का जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, चाहे इसकी जो बैकग्राउंड दिख रही है, ये सारा जो है आपका पिक्चर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें देखिए ये पिक्चर्स हैं, ये भी आपका जैसे कैलेंडर, आपका कैलेंडर में पिक्चर्स हैं, क्रेडिट कार्ड टेकर में देखिए यहाँ पिक्चर लगा है, यहाँ देखिए इस पे पिक्चर लगा है। तो पिक्चर का इस्तेमाल हम अपने रिपोर्ट्स में करते हैं विजुलाइजेशन के लिए। तो पिक्चर की एडिटिंग आपको पहले से आनी चाहिए। तो आप सभी को समझ में आया? किसी को डाउट है? ये स्टोरी बताने का पर्पस मेरा ये था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसको हमारी जरूरत ही नहीं है। जरूरत आप क्रिएट करेंगे तो होगी। जैसे अभी सामने मैंने चार्ट में आपकी पिक्चर की जरूरत दिखाई और बताया कि हमने नॉर्मली कुछ नहीं किया, ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। इसलिए पिक्चर की इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए तो वापस हम पिक्चर की टॉपिक आते हैं कि हमने सर एक बार जरा पिक्चर का बैकग्राउंड जो हटाया था वो दोबारा से बताना, कैसे हटाया था बैकग्राउंड पिक्चर वाला। ठीक है, तो इससे मैं एक बार ऑनलाइन जाता हूँ और यहाँ बीच में सर्च पे जाता हूँ और इस एरोप्लेन को ले लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। उसके जैसे इसमें पिक्चर सिलेक्ट होगा अपने हिसाब से एक कर लीजिए। इसके लिंक को डिलीट कर दिया और पिक्चर को मैं अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। इसकी बैकग्राउंड हटाना है, जैसे पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे ऊपर आपको पिक्चर फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा बैक रिमूव बैकग्राउंड, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ही बैकग्राउंड रीड कर लेता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें सही तरीके से रीड नहीं किया है, तो इसकी सिलेक्शन को आप यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे सिलेक्शन को आगे करेंगे पीछे करेंगे तो आपका वो बैकग्राउंड फिर वो बढ़ते चला जाएगा और भी रीड कर लेगा। ओके सर, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्क एज ए टू कीप करके आया, इस पर क्लिक कर ले। और यहाँ पे कीप चेंजिंग, ठीक है सर। तो रिमूव बैकग्राउंड में अब जाएंगे तो मार्क एज चेंजिंग पे और कीप चेंजिंग पे क्लिक कर देंगे तो वो रिमूव कर देगा बैकग्राउंड। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पिक्चर की बैकग्राउंड को रीड करके क्लिक कर ले। और यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, तो यहाँ एक और पिक्चर लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को लेके चलता हूँ, एक मिनट में कुछ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप इसी को करते हैं। इसको छोटा कर देते हैं। मैं यहां पे पिक्चर फॉर्म में जाता हूं, रिमूव बैकग्राउंड। इसने बैकग्राउंड को रीड कर लिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड रीड ना करे। तो हमें क्या करना है, पिक्चर में बैकग्राउंड पे जाइए और डिलीट एरिया मूव पे कीजिए और अपने हिसाब से फोटोशॉप में करते हैं। जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसको रखेगा और बाकी एरिया को रिमूव कर देगा। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करेंगे, तो ऐसे बता रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ यहीं पे आप क्या एस्केप मार देंगे, फिर भी आपका ऐसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एस्केप प्रेस कर देंगे तो फिर भी आपको हटा देगा और कंट्रोल जेड कर देंगे वापस आ जाएगा। ठीक है सर, तो पिक्चर की बैकग्राउंड आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। फिर उसकी बात आती है करेक्शन की। तो इसकी जो करेक्शन है, जैसे कि आपकी ब्राइटनेस वगैरह कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से कर सकते हैं। इसको रीकलर से आपको ब्लैक एंड व्हाइट में या किसी वन कलर में डालना है, क्योंकि हम जो चार्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट जो होता है ड्रॉइंग टाइप का, वो उस तरह का कुछ बनाना है आपको स्केच टाइप का, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कंप्रेस पिक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अपने एक्सेल में काफी इमेजेस डालेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल काफी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप कंप्रेस पिक्चर करेंगे तो वो रिड्यूस कर देगा। उसके बाद चेंज पिक्चर, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ इसमें बॉर्डर शॉर्डर लगाया हुआ है, आप जस्ट पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पे जाइए, फॉर्म ऑनलाइन या ब्राउज कर लीजिए और आप अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एयरप्लेन में मुझे इस पिक्चर को चाहिए इंसर्ट, तो इसमें बाकी सारी सेटिंग रहेगी बट आपका पिक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज पिक्चर में रीसेट पिक्चर, मतलब जैसा पिक्चर आया था उस तरह से कर सकते हैं। मतलब कि आपने मान लीजिए कुछ कलाकारी दिखाई और पिक्चर को पूरी तरह से खराब कर दिया, तो रीसेंट पिक्चर करेंगे आपका पिक्चर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपके सामने आती है, वो आती है कि यहां से पिक्चर के फ्रेम मैंने स्टाइल्स को ले सकते हो, पिक्चर किस स्टाइल में, इसमें चाहिए या इस तरह के शेप में चाहिए या इस तरह के शेप में चाहिए या इस तरह से चाहिए, जो शेप आपको पसंद आता है उस शेप में आप पिक्चर को रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, तो आप अपने हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हो कि भाई आपका बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए और बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, और पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए या फिर डॉट लाइन होनी चाहिए, से इस तरह का लाइन होनी चाहिए। ये चीजें भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते, या फिर नहीं बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए ध्यान सकते हैं। पिक्चर के इफेक्ट, कि पिक्चर का इफेक्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट जो है आपका इस इफेक्ट में पिक्चर को आप रख सकते हैं, लेकिन हालांकि इनकी जरूरत काफी कम पड़ती है। फिर मैं आपको बता दिया, थ्री रोटेशन से रोटेट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मान लीजिए दो तीन पिक्चर मैंने रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे पिक्चर को कॉपी करना है, इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्रेस करते हुए उसको मैं ड्रैग कर दूंगा, तो क्लिक करते हुए ड्रैग, आप कंट्रोल दबाते हुए ड्रैग कर सकते। हमारे लिए एक पिक्चर के ऊपर दूसरा पिक्चर में चढ़ा दिया, मैं कहता हूँ ये पिछले वाला पिछला पिक्चर ऊपर आना चाहिए तो विंग फ्रंट, या ये पीछे दिखना चाहिए तो सेंट टू बैक। या फिर मान लीजिए कि जो पिक्चर्स है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि लेटर हेड वगैरह होती है हमारी, मान लीजिए लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लेटर हमने बनाया हुआ है, तो बेसिकली हमें दो चीज़ें होती है, एक अपने रिकॉर्ड में रखनी होती है और दूसरी हमें देनी होती है।
तो जो मैं अपने रिकॉर्ड में हम रखते हैं वो लेटर हेड पे नहीं छापते, वो नॉर्मल पेपर पर छापते हैं, जस्ट लाइक फोटो कॉपी दिखना चाहिए। ठीक है सर? तो अब प्रॉब्लम आती है कि जब मैं लेटर हेड पे छापूंगा तो उसकी हेडिंग नहीं दिखनी चाहिए क्या? हेडिंग नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन जब मैं नॉर्मल पेपर पे छापूंगा तो हेडिंग दिखनी चाहिए। तो उस केस में हमारे पास सिलेक्शन पेन होता है। सिलेक्शन पेन की मदद से किसी भी पिक्चर को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, उसको हाइड कर सकते हो। वो अपने जगह पे रहेगा बट विजिबल नहीं रहेगा, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर शो हो जाएगा। ठीक है सर? ये आपका सिलेक्शन पेन होता है। सिलेक्शन पेन के बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें रोटेशन अलाइनमेंट की। सॉरी अलाइनमेंट से मैं मान लीजिए पिक्चर ऊपर नीचे इस तरह से अनअलाइन है, मैं चाहता हूँ एक सीध में आ जाए पिक्चर सारा। सिलेक्ट कीजिए, ये आपका अलाइन है, अलाइन लेफ्ट सेंटर या टॉप, इस तरह से अलाइन हो जाएगा। जैसे मुझे अलाइन करना है तो यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन, ये आपका लाइट में क्या, ये हमारा टॉप में है, तो टॉप सेलेक्ट कर लूंगा तो एक सीध में सर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आता है कि दोनों की डिस्टेंस, एक इस पिक्चर से दूरी और इस पिक्चर की दूरी में डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पिक्चर उसी साइज में हो जाएगा। ग्रुप, अब तीनों अलग अलग पिक्चर है, आप चाहते हैं तीनों को ग्रुप करके एक पिक्चर बना दें तो यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, जिससे आपका एक पिक्चर बन जाएगा। रोटेशंस, पिक्चर को अपने अलग अलग एंगल में रोटेट कर सकते हो, जैसे अभी यहां से भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉप मैंने बताया हुआ, हाइट भी एग्जैक्ट रखना है तो यहां से आप रख सकते हैं। ओके, ये आपका पिक्चर की फॉर्मेट थी। और जब पिक्चर की फॉर्मेट की बात करें तो आपके सामने इंसर्ट में पिक्चर के अलावा और भी शेप्स हैं, तो आप शेप्स को भी डिजाइन कर सकते हो और उसकी भी फॉर्मेटिंग सेम पिक्चर की फॉर्मेटिंग है, जैसा होता है कि यहाँ से आप स्टाइल ले लीजिए कि कुछ लिख रहा है यहाँ पे तो उसका लिखने का तरीका, टेक्स्ट के कलर का होना चाहिए, टेक्स्ट का आउटलाइन आउटलाइन होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। या फिर आप इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए और इसकी शेप्स को थोड़ा सा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, तो शेप्स की चेंज कर दो। कोई भी शेप्स आप लेते हो, आप चाहते हो कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक काम करता हूँ, मैं ए ले लेता हूँ, मैंने इसको ड्रैग कर दिया और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है, मैं यहाँ पे एडिट पॉइंट पे गया और थोड़ा सा चेंजिंग के लिए मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह से, ठीक है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। कभी कभी हमें रिपोर्ट्स बनाने में जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद स्मार्ट चार्ट, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है तो स्मार्ट चार्ट का यूज कर सकते हो। इसको हम आगे आपको रिपोर्ट्स, इसमें रिपोर्ट्स ऑटोमेशन में या रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा मैं इसको। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सेल में एक्स्ट्रा कोई ऐप, जैसे कि आपके मोबाइल में ऐप होता है ना, जैसे मोबाइल में आप जो इनबिल्ट ऐप आया उसके अलावा भी कुछ ऐप डाउनलोड कर देते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाएंगे तो वहां पे कुछ ऐप आपके फ्री हैं, कुछ ऐप के पैसे हैं लगते हैं, जैसे नॉर्मल आपके मोबाइल ऐप में होता है, वो आप यहां से ले सकते हैं। जैसे पीपल ग्राफ को मैंने ऐड कर दिया, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहां से डेटा सेलेक्ट योर डेटा, अब डेटा इस तरह से होना चाहिए और डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये चीज आप यहां पे इसका टाइटल वगैरह दे सकते हैं, तो ये इनबिल्ट चार्ट हो गया। इस तरह की चार्ट आप इनबिल्ट चार्ट या इस तरह की कुछ ऐप्स जो है स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपका बहुत सारे इसमें चार्ट्स हैं, एडिंस की तरह इस्तेमाल किए गए हैं,
वो यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। इंसर्ट स्क्रिप्ट ग्राफ स्क्रिप्ट एक्सेल टूल्स बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे, स्लाइसर टाइमर ये आपको यूज कर सकते। इसमें कुछ फ्री है कुछ इसमें पैसे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। स्टोर है तो ये चीज हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। और पिछले सुनील जी का बैच है, सुनील जी आज है नहीं, तो अगली क्लासेस में हम आपको चार्ट्स और बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में यूट्यूब पे डाल दो।